जा रहा, अभी पता नहीं कहाँ जब मर्जी जाए ये। तो चलो गाइस, अब तुम्हारा भाई क्या तुम सोच रहे हो कि छोड़ देगा, तो भाई इसको मारते हैं पहले यहाँ से बज़ूका से। तो गाइस यार, विंटेज गाड़ियाँ देख रहे हो, तीन विंटेज गाड़ियाँ, बहुत ही ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ हैं। तो यार गाइस, मेरा नाम है मैक, तो स्वागत है आपका एक खुरुन जी टी 5 की वीडियो में। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस यार, सबसे पहले यार 6K की फैमिली कराओ अपने भाई की, और वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक करो। तो भाई इस समय यार सीधा जा रहे हैं हम सीक्रेट लोकेशन पर, जहाँ पे हमने माफिया को रखा था। तो गाइस, अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो यार आपको पता ही होगा यार कितना गोल्ड चुराया था और माफिया को क्या हमने पीटा था। तो गाइस, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जरूर देखना यार, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला आपको। तो गाइस इस समय देखो यार, आ जाए हम ट्रेवर। तो भाई ट्रेवर की फरारी देख रहे हो यार, ऑरेंज से रंग की, कितनी ऑसम लग रही है। तो भाई हमने तीन गाड़ियाँ ली थी जो भाई न्यू आए हैं आज वीडियो पे। तो भाई अपने पास थी लैम्बोर्गिनी निसान GTR जो है माइकल की, लैम्बोर्गिनी है फ्रैंकलिन की, और फरारी है ट्रेवर की। तो भाई ऑसम कलर है यार सब तीनों की तीनों। तो भाई अब सीधा यहाँ से लेना है राइट, तो भाई उसी लोकेशन पर आ जाएंगे हम। तो गाइज इस समय यार आज की वीडियो में हम जा रहे हैं माफिया के, जितना भी गोल्ड था तो माफिया ने अपने को बता दिया सारा गोल्ड। तो यार उसकी तैयारी कर ली है हमने, अब सीधा उसके बंगलों में जाना है यार, जो मेंशन था उसका माफिया का। तो गाइज देख रहे हो रेस्टर की गाड़ी भी खड़ी, और ये ग्रीन गैंग के बंदे थे दो, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए ये भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो चलते हैं सीधा अंदर की तरफ, देखते हैं क्या चल रहा है अंदर की तरफ। तो चलो गाइस यार, अब अंदर की तरफ आ चुका है। तो देख रहे हो यार माफिया को नीचे गिरा रखा है फ्रैंकलिन ने मार मार के, और फ्रैंकलिन माइकल और लेस्टर भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इसको उठाते हैं, तो भाई उठ जा यार, बहुत ही ज़्यादा सो लिया तू। तो भाई देख रहे हो इसकी हालत बेचारे की कितनी बुरी कर दी है, तो सही तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। वो भाई देख रहे हो लेस्टर के कंधे के ऊपर सिर रख के है भाई, इसको गिराते हैं यार, बहुत ही ज़्यादा बेचारा शरीफ बन रहा है। तो भाई इसको गिराओ यार, तो भाई इसको हमने गिरा दिया। तो इसकी हालत देखो यार, ड्राइवर तो इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। तो गाइस एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इस रूम के अंदर बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। तो गाइस देख रहे हो यार, इतना गोल्ड है जो हमने कल ही चुराया था, जितना भी माफिया का गोल्ड था। तो आपको पता ही होगा, और उस बैंक से हमने मैनेजर का स्कैम कर दिया, और जो पुलिस थी उनका भी स्कैम कर दिया था। तो गाइस आपको अगर वो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी जरूर करना यार। तो गाइस यार 4 शेवरलेट थी अलग अलग कलर की, और यार बहुत ही ऑसम मिशन था, सबसे बड़ी रॉबरी थी हमारी $200 मिलियन की। तो आज की वीडियो में हम जा रहे हैं इस माफिया के मेंशन में, जितनी भी माफिया की गाड़ी हैं और मनी है तो वो हम खुद रख लेंगे। तो गाइज आज बताओ यार, माफिया को मारना चाहिए कि नहीं? मन तो कर रहा है इसके सिर पे ऐसी गोली रख के, ऊपर यार इसकी हालत पे भी मुझे तरस आ रहा है। तो देख रहे हो गाइज, सही तरीके से बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा, इतना इसको पीट दिया ना हमने। तो गाइज चलो यार, ये अब हमारे पीछे पीछे आ रहा, तो बेचारा डरा पड़ा ट्रेवर से। तो गाइज चलते हैं सीधा इसके घर पर, अब कोई भी चलाकी नहीं दिखा पाएगा ये। तो चलो गाइस अब बाहर की तरफ आ चुके हैं, तो माफिया की हालत देखो यार। तो ये जितना भी अंदर की तरफ गोल्ड है ना, ये सब ग्रीन गैंग के जो दो बंदे खड़े हैं ये सब कर लेंगे प्रोटेक्ट, और यार कोई भी दिक्कत आने नहीं वाली, क्योंकि यही था लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा माफिया, तो इसकी गेम बजा के रखी है हमने। तो गाइस अब चलो चलते हैं जल्दी से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते हैं। तो भाई इसको तो मैं अपने साथ ही बिठाऊंगा, तो भाई पीछे आ जा मेरे, कोई भी चलाकी करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस यार जो पिछली गाड़ी है वो माइकल ड्राइव करेगा। तो गाइज देख रहे हो माइकल अब जा रहा है ड्राइव करने के लिए, तो माफिया अपने साथ बैठ रहा है, बिग माफिया यहाँ का लॉस सैंटोस का जो था। पर अब बेचारे के पास कोई भी चीज़ नहीं है जो हमसे ऊपर आई है। तो जितना भी इसके पास गोल्ड था, जितनी भी गाड़ियाँ थे, तो गाइज अब मैं आपको दिखाऊंगा यार ऑसम गाड़ियाँ इसके पास, विंटेज गाड़ियाँ। अभी अभी ग्रीन गैंग जो अपनी ग्रीन गैंग है, जो फ्रैंकलिन के फ्रेंड हैं, तो उन्होंने इसके घर पर पूरा कब्जा कर लिया। तो गाइज यार फ्रैंकलिन को रॉन्ग जा रहा, ओ भाई मैं ही रॉन्ग जा रहा था। तो गाइज फ्रैंकलिन और माइकल तो अपनी जगह सही जा रहे हैं। तो यार सीधा चलते हैं इसकी घर की लोकेशन की तरफ। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा अपने को। तो देख रहो माइकल भी पीछे से बहुत तेज आ रहा है, तो फरारी की तो यार क्या कहना, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट इसका ऑसम है। तो गाइज यार मार्क लगा लेते हैं उस लोकेशन पर, फिर सीधा चलते हैं। तो गाइज लगा लिया यार माफिया के घर के लोकेशन का मार्क हमने। तो भाई माफिया अभी भी कह रहा कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो यार, मेरी कोई गलती नहीं है, जितना भी मेरे पास जितना भी मनी वगैरह था वो हमने सब कुछ तुम्हें दे दिया है, और यार मुझे बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए तुम लोगों को, और मुझे छोड़ देना चाहिए। पर यार इसने अपने ऊपर इतने हमले कराए हैं ना, तो आपको पता ही होगा यार, जो फ्रैंकलिन की गाड़ियाँ वगैरह स्क्रैच पड़वा दी थी, और ये सब इसी का काम था। और ऊपर से यार इसका हमने अभी तक घर भी नहीं देखा, एक बार देखा था दूर से, और जितना भी इसका पैसा वगैरह उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता, कौन कौन सी गाड़ियाँ। तो यार जो ग्रीन गैंग है फ्रैंकलिन की, तो उसने अभी अभी हमें कॉल करा था कि इसके पास बहुत ही ज़्यादा औसम गाड़ियाँ हैं, आकर तुम अपने अंडर कर लो उनको, और जितना भी इसका मेंशन वगैरह अपने पास रख लो, और इसको यार यहाँ से ख़त्म करो, इसकी कहानी आज उड़ा दो। तो भाई यार देखना पड़ेगा क्या करें। वैसे ट्रेवर गुस्से में तो रहता है, पर दिल का बेचारा बहुत ही ज़्यादा साफ है।
तो यार समझ नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए यार, मैं पूरा कंफ्यूज हूँ। तो फ्रैंकलिन भी यहीं पर ये कह रहा है कि इसको छोड़ दो, और माइकल कह रहा है इसको मार दो। तो यार लेस्टर कह रहा है इसको मार देना चाहिए, तो गाइज फिर फ्रैंकलिन भी कहने लग गया चलो इसको मार ही देना चाहिए। तो बस यार मेन काम तो ट्रेवर के हाथ में। तो गाइज स्मोक देख रहे थे अभी जो गाड़ियों के नीचे से टायर से निकल रहा है ये, तो यार ये भी मॉडिफिकेशन कराई थी सीमोन की शॉप से। तो वो बंदा यार वो कह रहा था अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम दिखे ना तीनों गाड़ियों में तो आकर मेरे हेड छोड़ दो बिना किसी दिक्कत के। ओ यार क्या मारे यार, अपना फ्रेंड है वो खास। तो यार ये माइकल कहाँ पर रह गया यार, पीछे की तरफ ही रह गया। तो भाई वो प्लेन देख रहे हो, कार्गो प्लेन है यार, ये तो मिलिट्री वालों के नज़दीक ही है। तो मिलिट्री बेस है वो इस लोकेशन के नज़दीक है यार, मिलिट्री से तो अपनी वैसे भी नहीं बनती बिल्कुल भी। तो गाइज देख रहे हो कैसे समुंदर के ऊपर से ही जा रहा है। तो गाइज माइकल भी पीछे आ चुका है यार, ये तो बहुत ही तेज चला रहा है। ओ भाई साहब जब मैं सोचता हूँ ना नुकसान ना हो, उसी समय यार अपने से नुकसान हो जाता है। तो भाई यार 6K की जल्दी जल्दी फैमिली करा दो, इनसेन फैमिली अपनी 6K की होने वाली है। तो यार वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो भाई जल्दी से चलते हैं, बस लोकेशन के नज़दीक हम पहुंचने ही वाले हैं जो इसका मेंशन है। तो गाइस चलो यार बस हम पहुंचने ही वाले हैं, बस अब पूरी स्पीड खींचते हैं फरारी की। तो बस यार पहुंचने वाले हैं, बस सीधे आगे जाना है। तो गाइस यार माइकल भी थोड़ा सा पीछे रह चुका है यहाँ पे, क्योंकि यार अपनी स्पोर्ट्स गाड़ी है। तो गाइस देख रहे हो रेड रंग का घर है ये इसका आ गया, पहले तो वाइट था यार, अब हमने रेड वगैरह करा लिया सब कुछ, जितनी भी तबाही वगैरह करी थी यार माइकल ने वो सब कुछ हटा दिया हमने यहाँ से, तो सब रिपेयर करा लिया इसको। तो गाड़ियाँ एक बार भी हम तीनों पर नहीं गए हैं, हमने वर्कर वगैरह भेजे थे। तो गाइस चलो यार सीधा अंदर की तरफ चलते हैं, गाड़ियों को लगाते हैं बाहरी पार्क। तो गाइस देख रहे हो ग्रीन गैंग तो एम करके बैठी है तो माफिया के ऊपर, कोई भी अगर चला के दिखाएगा यार अब माफिया को पता चल रहा होगा यार क्या होती है असली सिक्योरिटी। तो देख रहे हो यार आज लग रही है माफिया की असली फीलिंग। तो ग्रीन गैंग भी अपने फ्रेंड है खास, तो इसकी माफिया को देखो यार चल भी नहीं पा रहा अच्छी तरीके से। तो गाइज माफिया कह रहा है कि मुझे छोड़ दो अभी जा लेने दो, मैंने तो सब कुछ जो भी मेरे पास था वो तुम्हें दे दिया है। तो गाइज ग्रीन गैंग देख रहे हो सब ने एम माफिया के ऊपर रख रखा है, अगर कोई भी ये चला के दिखाने की कोशिश करेगा तो गाइज इसके हेड पे ही देंगे। तो भाई इनको क्या हो गया यार, ये तो पीछे कुछ चेक करने लग गए। तो चलो गाइज यार वो थोड़ा पीछे ही है तो मैं इतना आपको टूर करा देता हूँ। तो गाइज देख रहे हो ये जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे हो ना आप, रेंज रोवर और ये जी वैगन मर्सिडीज़ वालों की, ये सब माफिया के अंडर थी, जो माफिया की सिक्योरिटी थी उनकी गाड़ियाँ थी। तो गाइज यार अब माफिया जैसे बिल्कुल भी नहीं है कि ये अपनी बना के रखेंगे। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ ना ये गाड़ियाँ ग्रीन गैंग को दे दूँ क्योंकि अपनी सिक्योरिटी बन जाएगी यार ग्रीन गैंग। तो गाइज यार क्या कहते हो करना चाहिए कि नहीं? तो गाइज भाई साहब देख रहे हो सामने की तरफ कितनी गाड़ियाँ और ये रोल्स रॉयस वगैरह भी हैं। तो गाइज ये तीन विंटेज गाड़ी यार पूरी गोल्ड। तो चलो गाइस यार अभी ये सब जने आ चुके हैं यार, फ्रैंकलिन भी कह रहा बहुत ही ऑसम गाड़ी है इसके पास। तो ये माफिया कह रहा मेरे पास सुपर गाड़ियाँ भी हैं, अभी तो ये घट गाड़ियाँ हैं पर दो तीन घर और हैं उनमें तो इससे भी ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ हैं। तो भाई ये बस एक ही बात कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी फैसला नहीं करूँगा। मुझे अगर छोड़ दोगे मैं यहाँ से चला जाऊँगा लिबर्टी सिटी या नॉर्थ एंटन, तो मैं बिल्कुल ही तुम्हें भूल जाऊँगा और अपना नया करियर फिर से स्टार्ट करूँगा। तो गाइज यार क्या पता चलता अगर हम इसको छोड़ देंगे, क्या पता ये हमें मरवा ही दे बाद में यार, बुरे टाइम का कुछ नहीं पता चलता। तो मैंने आपको दिखाई यार गन्स वगैरह भी लोडेड है माफिया की गाड़ी में। तो गाइज यार विंटेज गाड़ियाँ देख रहे हो, तीन विंटेज गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ हैं। तो गाइज ये खड़ी है रेंज रोवर और खड़ी है रोल्स रॉयस, स्किन बहुत अच्छी है। तो गैरेज के अंदर चलते हैं, माफिया कह रहा है इसके अंदर भी सुपर गाड़ियाँ हैं। तो गाइज देख रहे हो SUV खड़ी हैं ये, तो ये है पोर्श और ये है लैम्बोर्गिनी यूरस। तो गाइज इनको पीछे तो देख रहे हो गाइज यार माफिया कितना अमीर बंदा है, मुझे अभी तक तो ये भी नहीं पता था कि इसके पास इतनी गाड़ियाँ और इतना पैसा, इतना अच्छा घर है। तो गाइज पहली बार मैं इसके घर पे विजिट कर रहा हूँ, तो भाई देख रहे हो माफिया की नंबर प्लेट और माफिया हर जगह लिखा है। तो ये पोर्श काइनी है और ये यूरस है, तो भाई ये भी बहुत ही अच्छी है, इस पर कोरिया का फ्लैग है आई थिंक। तो गाइज बताना कौन सा फ्लैग है यार, देख रहे हो येलो में है। तो भाई साहब वो लैम्बोर्गिनी कौन सी यार, क्रोम रंग की? तो भाई ये तो फ्रैंकलिन की लैम्बोर्गिनी याद दिला रही है मुझे। तो भाई देख रहे हो यार कितनी औसम है, तो फ्रैंकलिन की लैम्बोर्गिनी लग रही है यार मुझे, क्योंकि जो बालास गैंग ने चुरा ली थी उसके बाद यार ये पूरे लॉस सैंटोस की एक ही लैम्बोर्गिनी थी जो क्रोम कलर की थी। तो गाइज यार मुझे लग रहा है ये पक्का फ्रैंकलिन को। तो भाई मैं इसको पूछता हूँ यार किसकी है ये लैम्बोर्गिनी। तो भाई देख रहे हो फ्रैंकलिन यहाँ पर अपनी लैम्बोर्गिनी को पहचान चुका है बिल्कुल, क्योंकि फ्रैंकलिन को लग रहा है ये उसी की लैम्बोर्गिनी। तो इसका एग्जॉस्ट वगैरह चेक करके देखते हैं, क्योंकि यार वो फ्लेम्स थ्रोवर वगैरह फेंकता था तो यार आग वगैरह निकलती थी उसके एग्जॉस्ट से। तो एक बार देखते हैं, फ्रैंकलिन तो यार मुझे लग रहा है पहचान ही चुका है अपनी लैम्बोर्गिनी। तो भाई देख रहे हो इसका एग्जॉस्ट बिल्कुल सेम है यार। तो माफिया से भी पूछते हैं यार किससे उसने लैम्बोर्गिनी ली थी ये। तो चलो गाइस यार अब उससे पूछने का टाइम आ चुका है माफिया से, तो अब तो मुझे और गुस्सा चढ़ रहा है। तो भाई इसके मन कर रहा ना ऐसी लात बजाऊँ ना मुँह पे। तो भाई तू यहाँ पर आ यार, ये कहाँ जा रहा था यार, मुझे लग रहा है गाड़ी लेके एस्केप होने की सोच रहा है।
तो भाई साहब इससे जब हम पूछ रहे हैं ना ये लैम्बोर्गिनी किसके, तो ये कह रहा मुझे कि यहाँ की जो गैंग है छोटी मोटी बलास गैंग, तो उन्होंने बेची थी। तो गाइस देख रहे हो, अब फ्रैंकलिन भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है कि ये तो मेरी लैम्बोर्गिनी है, पूरे 2 महीने से मैं इसको ढूंढ रहा था और मुझे जाके माफिया के घर में मिली है। तो फ्रैंकलिन पहले तो कह रहा था इसको छोड़ दो, पर फ्रैंकलिन कह रहा था इसको मार दो। तो यार सही है यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ मार दूँ। तो गाइस आप क्या सोचते हो यार, इसको छोड़ दूँ या मार दूँ? तो चलो गाइज अब हम ऊपर की तरफ, लेस्टर यहाँ पर पहले ही रूम टूर देख ही रहा है। तो गाइज मैं आपको अपने घर का रूम टूर करा देता हूँ। तो ये हम तीनों चारों का घर है। तो भाई क्या हो गया यार ट्रेवर को? तो भाई ये देख रहे हो, ये जो छत है इसके ऊपर भी ग्रीन गैंग की सिक्योरिटी है, सब ने एम कर रखा है बिग माफिया के ऊपर। क्योंकि यार सही है यार, उसके ऊपर एम क्या पता कब चला के दिखा दे, क्योंकि उसका घर है, उसको सब कुछ पता होगा भागने का यहाँ से। तो गाइज यार रूम वगैरह तो सब कुछ ऑसम है। तो गाइज जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आज रूम टूर की वीडियो नहीं है। आपको जितने भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो सब कुछ हमने रख ली थी। तो गाइज इधर मैं सोच रहा हूँ अपनी एक पिक्चर वगैरह लगा दूँ, अपनी फोटो वगैरह लगा लूँ। तो गाइज बताना यार घर में कौन सी पिक्चर वॉलपेपर वगैरह लगाना चाहिए, जो देख रहे हो ऊपर सामने की तरफ फ्रेम वगैरह, यहाँ पर मेरी पिक्स भी लगा रखता हूँ मैं। तो गाइज बताना यार क्या लगाना चाहिए मुझे। तो गाइज यार घर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और पूरा ऑसम घर है यार, मैं देख रहा हूँ यार बहुत ही अच्छा घर है। तो यार इसको तो बिल्कुल भी नहीं बेचने वाले। तो गाइज ये तो इसका म्यूज़िक सिस्टम का रूम लग रहा है, तो मुझे लग रहा है इसको गाने वगैरह गाने का भी शौक था। तो यार इसके सारे शौक हमने छीन लिया यहाँ पर और पूरा घर भी छीन लिया। तो सामने लिखा है सैन एंड्रियास। तो गाइस सही है यार, सैन एंड्रियास लिखा है। तो भाई अब नीचे वाले फ्लोर पर आ चुके हैं। तो बाहर भाई स्विमिंग पूल भी है छोटा था। तो चलो गाइस अब बाहर की तरफ आ चुके हैं ऊपर। तो भाई ये याच देख रहे हो जो छोटी सी है, तो यार इसकी है ये भी। तो भाई ये देख रहे हो गाइस नीचे की तरफ भी स्विमिंग पूल है, तो इसमें चलते हैं। तो भाई साहब देख रहे हो यार स्विमिंग पूल में ट्रेवर आ चुका है। तो यार इसका बहुत ही लग्जरी घर है यार, बहुत ही मज़ा आ गया मुझे इस घर में। तो भाई अब सोच रहे थे घर लेना, मैं सोच रहा हूँ इसी को रख लेते हैं, उसके 2-3 और भी घर हैं तो सोच रहा हूँ उनको भी रख लेते हैं। तो भाई यार एक प्लान आ गया मेरे दिमाग में गाइज इस ट्रॉली सी को देखकर। तो गाइज इसको हम बगी कहेंगे, जो गोल्फ वाली होती है। तो गाइज इसको सबसे पहले मैं बाहर जाके खड़ा कर देता हूँ। तो गाइज यार फिर आपको भी दिखाता हूँ प्लान, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार प्लान है गाइज, आपको भी बहुत ही ज़्यादा हंसी आने वाली है। तो चलो गाइज यार अब बिग माफिया को छोड़ देते हैं एक शर्त पर। तो गाइज अगर वो ये ट्रॉली या बगी ये जो लेके जाएगा, तो गाइज अगर वो भाग जाएगा तो यार उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, पर एक शर्त है उसको इसी बगी में जाना पड़ेगा। तो गाइज अगर वो मानता है तो हम उसको एक भी कुछ नहीं कहेंगे और छोड़ देंगे उसको, तो उसको जाने देंगे अपनी ज़िंदगी जीने देंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी फरारी को अंदर लगा लूं, तो मैं नहीं चाहता यार कोई नुकसान हो जाए। तो गाइज यार उसको छोड़ देते हैं यार, मुझे पता आपको गुस्सा भी चढ़ रहा होगा कि उसको क्यों छोड़ रहे हैं। तो भाई छोड़ना पड़ेगा यार, उसने अपने को सब कुछ दे दिया अब। तो चलो गाइस यार उनको लेकर चलते हैं बाहर। तो अब बिग माफिया को रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। बिग माफिया को कहते हैं कि तू जा यार यहाँ से, अपनी ज़िंदगी जी ले। तो भाई उसका रिएक्शन देखते हैं बिग माफिया का कैसा होगा। तो चलो गाइस यार अब फरारी लगा चुके हैं, तो हमने उनको कह दिया कि तुम बाहर की तरफ जाओ यहाँ से। तो गाइस अब बिग माफिया वगैरह बाहर की तरफ खड़े हैं, जो माइकल और फ्रैंकलिन और लेस्टर। तो गाइस देख रहे हो ये बाहर खड़े हैं सब। तो देख रहे हो बिग माफिया यहाँ पर कह रहा, तो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया मुझे छोड़ने के लिए। तो यार देख लो ज़्यादा एक्टिंग कर रहा है यहाँ पर, मन तो कर रहा है कि एक थप्पड़ बजाऊँ रख के मुँह पे। तो भाई मैं सोच रहा हूँ यार नहीं यार इसको जाने देते हैं यहाँ से। तो यार इनसे ही पूछ लेते हैं इनका रिएक्शन कैसा है, माइकल और फ्रैंकलिन ट्रेवर का। तो भाई यार मैं इसको थोड़ा सा मोड़ के लगा देता हूँ। तो यार एक शर्त है यार, इसमें जाना पड़ेगा इसको, अगर ये चला जाता है तो हम इसको छोड़ देंगे। तो यार बिग माफिया कह रहा है कि मुझे यार पैदल जाना पड़े, मैं तब भी चला जाऊँगा। तो फ्रैंकलिन कह रहा है इसको नहीं यार बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, और यार देख रहे हो बिग माफिया की हालत। तो ये कह रहा तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया मुझे छोड़ने के लिए। तो भाई माइकल कह रहा यार नहीं छोड़ना चाहिए इसको, तो मैं मार दूंगा। तो भाई माइकल कह रहा तू दिमाग से नहीं काम लेता ट्रेवर। तो लेस्टर भी यहाँ पर कह रहा है इसको नहीं जाना चाहिए यार, इसको अभी मार दो, क्या पता कल को बड़ा दुश्मन बन जाए अपना। तो भाई तू जाए, ओ भाई देख रहे हो हल्का सा धक्का बजा बेचारे को, तो खड़ने की भी हिम्मत नहीं है। तो भाई इसको जाने देते हैं यार यहाँ से। तो भाई तू जा यार यहाँ से निकल जा अब। तो यार मुझे तो इसको देख के तरस आ रहा है यार, ट्रेवर भी आज सही है यार, ट्रेवर का भी दिल साफ है जैसे कि मैं कह रहा हूँ। तो यार पहले तो दुश्मन था बिग माफिया का, तो पहले इसकी बग्गी हम इसको मोड़ कर देते हैं पीछे की तरफ, तो इसमें आराम से चला जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं अपने, बस सब कुछ इससे हो चुका है क्योंकि मनी वगैरह इसने सारी अपने को दे दिया, इससे कोई भी दुश्मनी नहीं लेनी अपने को। अगर ये कोई स्टेप उठाएगा तो इसको हम मार देंगे। तो भाई मैं सोच रहा हूँ बस इसको अब जाने देते हैं, चल भाई यहाँ से निकल जा पहली फुर्सत में। तो मैं नहीं चाह रहा कि तुझे अब कुछ करें और हम भी तुझे मार दें, तो भाई निकल यार अब पहली फुर्सत में यहाँ से निकल। तो चलो भाई अब ये कह रहा है कि मैं चलो यार तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, तो अब मिलते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कभी ना मिले, बिग माफिया का ये कहना है। तो भाई अब निकल जाए यहाँ से। तो लेस्टर कह रहा है यार मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा है, कल को ये बड़ा दुश्मन बन जाएगा फिर अपनी गेम बजाएगा। तो भाई चलो यार माफिया को अब जाने देते हैं, देख रहे हो कैसे जा रहा है, पता नहीं कहाँ जब मर्जी जाए ये।
तो चलो गाइस अब तुम्हारा भाई क्या तुम सोच रहे हो कि छोड़ देगा, तो भाई इसको मारते हैं पहले यहाँ से बंदूका से। तो देख रहे हो गाइस माफिया का तो खेल खत्म कर दिया बिग माफिया का। तो गाइस अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करो। तो भाई साहब देख रहे हो यार बिग माफिया को पहले हमने जाने दिया फिर इसकी गेम बजाय। तो भाई बालास गैंग कहाँ से आ गई सामने से, तो भाई इनको मारते हैं। भाई बालास गैंग सामने से आ गई गाइस, पता नहीं कहाँ से आई। तो भाई माइकल और पीछे फ्रैंकलिन वगैरह कहाँ रह गए। तो गाइस देख रहे हो उसके बाद यार बालास गैंग का खात्मा करा हमने। तो यार जो अपनी गाड़ी थी ना इसको यहाँ पानी में फेंक देते हैं ले आके इसकी बग्गी में। तो गाइस देख रहे हो जो बिग माफिया यार वो तो उसके अंदर ही चिपका पड़ा है बेचारा, मुझे लग रहा है जल के चिपक चुका है उसमें। तो भाई इसको धक्का मार के पानी में ही फेंक देते हैं मैं तो सोच रहा हूँ। तो यार स्टिकी बॉम्ब तो मारेंगे इसके ऊपर। तो अपने साथ है फ्रैंकलिन और है माइकल। तो भाई ये कह रहे हैं बहुत ही अच्छा प्लान बनाया, तो ट्रेवर का इतना तेज दिमाग। तो यार एक सेकंड के लिए तो बिग माफिया की भी आखिरी ख्वाहिश हमने पूरी कर दी मरने से पहले। तो गाइज अगर आपको वो प्लान अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो भाई अब मारते हैं इसको टक्कर, तो फेंकते हैं इसको पानी में। तो भाई साहब देख रहे हो यार स्टिकी बॉम्ब फूट चुके हैं हल्की सी टक्कर होते हुए, शुक्र करो गाइस हम गाड़ी में थे नहीं तो हम भी फूट चुके होते। तो भाई यार ये आत्मा थी कि क्या थी यार, इसका हमने घर के पीछे तो हमने फेंक दिया इसकी जितनी भी डेड बॉडी थी। तो जो भी इसकी डेड बॉडी थी यार बहुत ही बुरा मारा इसको। तो भाई वो जो बंदा खड़ा था कहाँ भाग गया, कहीं पुलिस को ना इन्फॉर्म करे। तो इसके एक सरक के स्नाइपर देता हूँ मैं, बॉडी शॉट देते हैं हेड शॉट। तो भाई देख रहे यार इसको तो हमने मार दिया। तो भाई ये डॉगी कितना प्यारा है यार, हस्की है शायद। तो गाइस कहाँ को देख रहा है ये, सामने की तरफ। तो भाई यार मुझे तो लग रहा है जो बिग माफिया को हमने मारा है ना कहीं उसका भूत वगैरह हमको तंग करे। तो गाइज ऐसा तो नहीं होने वाला। तो गाइज यार फ्रैंकलिन के साथ या माइकल के साथ थोड़ा बहुत मजाक करते हैं। तो गाइज आज बहुत अच्छा लग रहा है, बिग माफिया का हमने एंडिंग कर दिया पूरी। तो गाइज यार कोई भी एक जना बैठो मेरे साथ, कौन बैठ रहा है। तो भाई देख रहे हो फ्रैंकलिन कह रहा मैं बैठूंगा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो भाई अब इसको फेंकते हैं थोड़ा सा पानी में। तो गाइज बताना मत यार इसको पानी में फेंकेंगे। तो चलो गाइज यार अंदर जाओ अब सीधा। तो भाई देख रहे हो फ्रैंकलिन गाड़ी में बैठा बैठा ही अंदर चला गया पानी के। तो यार आज तो मजाक करने का मन कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो गाइज यार मुझे तो बहुत ही मज़ा आया बिग माफिया को ख़त्म करके। तो गाइज अगर आपको भी आया तो वीडियो को जरूर लाइक करो। तो चलते हैं सीधा अंदर की तरफ। तो गाइज जितनी भी बिग माफिया की प्रॉपर्टी थी अब अपने अंडर हो चुकी है, जितना भी उसका गोल्ड था पैसा था और जो भी था यार ये बिग माफिया की यही है डेड बॉडी। तो ये यार पानी के साथ थोड़ी आगे बहुत चली जाएगी। तो यार बजूका मार दे क्या कहते हो, तो गाइज मार ही देते हैं, क्या पता जो बचा कुचा वो भी मर जाए। तो चलो गाइज यार इसकी पूरी गेम बजा चुकी है अब हमने। तो गाइज अब चलते हैं। तो भाई ये कौन बंदे हैं यार, तो यार इनको तो स्मोक फेंकते हैं, गोली वगैरह नहीं मारेंगे, स्मोक ही इनको मार देगा। तो चलो गाइस अब मरने का टाइम आ चुका है, तुम्हारा निकलो यार यहाँ से पहली फुर्सत में। तो भाई इनको हमने मार दिया, तो चलते हैं। जो भी अपना यार गाइस बता दूं जो भी गोल्ड वगैरह था अपने अंडर हो चुका है। तो गाइस सीधा चल रहे हैं। तो गाइस अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक कर दें, चैनल पर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, आपके लिए डेली ऐसी लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं बहुत ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस लव यू ऑल।